नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। रोजगार, जिस मुद्दे को लेकर कई बार मोदी सरकार को घेरा गया, कई बार वादा न पूरा करने को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया गया, क्योंकि रोजगार का वादा तो हर सरकार करती है लेकिन उस वादे को पूरा कर पाना इतना भी आसान नहीं। हालांकि मोदी सरकार ने इस दिशा में भरसक प्रयास किए हैं और आगे भी किए जा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से और भी कई तरह की परेशानियां समाज का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि देश के युवा के पास तो कम से कम रोजगार हो। इसी दिशा में काम करते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। साल 2017 से दिल्ली सरकार के पेंडिंग पड़े एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जो कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के फेवर में ही आया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के वेतन में 11.1% तक की बढ़ोतरी की मांग की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी तो दे दी, साथ ही दिल्ली सरकार को न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी के लिए नवीन अधिसूचना लागू करने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने कहा, दिल्ली में ग्रेजुएट कर्मचारियों को 19,572 रुपए से कम सैलरी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा स्किल्ड लेबर्स को 17,991 रुपए वेतन देने का फैसला किया गया, साथ ही अनस्किल्ड लेबर्स को भी 14,842 रुपए से भी कम मासिक वेतन नहीं दिए जाने का फैसला लिया गया। सेमी स्किल्ड लेबर्स के लिए भी महीने में 16,341 रुपए की न्यूनतम मजदूरी फिक्स कर दी गई। हालांकि यहां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित ने साथ में ये भी साफ किया है कि कर्मचारियों को किसी भी तरह का एरियर दिए जाने का प्रावधान नहीं है। इस मामले को लेकर जल्द ही न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की जा सकती है। बता दें कि मार्च 2017 में दिल्ली सरकार ने वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था, इसलिए इंडस्ट्रियल बॉडीज को दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव से आपत्ति थी, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद अगस्त 2018 में कोर्ट ने सरकार के फैसले को रोक दिया। फिर दिल्ली सरकार अपना ये प्रस्ताव लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां से करीब 2 साल तक लंबित पड़े मामले का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में गया और करीब 50 लाख कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के जरिए वेतन में बढ़ोतरी का लाभ मिल सकेगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस वर्किंग क्लास को पहले कितना वेतन मिलता था और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कितना वेतन बढ़कर मिलेगा। अकुशल श्रेणी यानी कि अनस्किल कैटेगरी, पहले 13,350 रुपए और अब 14,842 यानी कि रोजाना 571 रुपए का भत्ता मिलेगा। अर्धकुशल यानी कि सेमी स्किल कैटेगरी, इस कैटेगरी को पहले 14,698 रुपए वेतन मिलता था, जो अब बढ़कर 16,341 रुपए मिलेगा, यानी कि 629 रुपए एक दिन का भत्ता। कुशल यानी कि स्किल लेबर्स, इस कैटेगरी को पहले 16,182 रुपए मिलते थे, जबकि अब 17,991 रुपए तय किए गए हैं, यानी कि एक दिन के पूरे 692 रुपए। अब नॉन मैट्रिक यानी कि जिसने 10th भी पूरी नहीं पढ़ी, इस कैटेगरी को पहले 9,724 रुपए मासिक वेतन के रूप में दिए जाते थे, वहीं अब ये मासिक वेतन बढ़कर सीधे 16,341 रुपए हो गया है, यानी कि एक दिन का पूरे 629 रुपए। गैर स्नातक यानी कि नॉन ग्रेजुएट कैटेगरी, इस कैटेगरी को पहले 10,764 रुपए मासिक वेतन मिलता था, वहीं अब ये वेतन बढ़कर 17,991 रुपए हो गया है, एक दिन का पूरा 692 रुपए। स्नातक कैटेगरी मतलब ग्रेजुएट कैटेगरी, जिन्हें पहले मात्र 11,830 रुपए वेतन मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 19,572 रुपए कर दिया गया है, यानी कि एक दिन के पूरे 753 रुपए। दिल्ली सरकार के इस फैसले से काम करने वाले लोगों ने राहत की सांस जरूर ली होगी, क्योंकि आम तौर पर यह सुनने में आता था कि पढ़ लिख लिए लेकिन उसके बाद भी नौकरी का कहीं कोई अता पता नहीं है, और अगर नौकरी मिलती भी है तो पैसा काम के अनुसार नहीं मिलता। लेकिन अब दिल्ली में कम से कम ग्रेजुएट्स के साथ साथ अन्य कैटेगरीज के भी काम करने वाले लोगों को अपनी सैलरी को लेकर कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब उसे न मानने या उस फैसले की अवमानना करने वाले को सजा का पात्र माना जाता है। तो दिवाली से पहले वर्किंग क्लास को दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा मिला है।